15 जून को कैंची धाम में आयोजित होने वाले मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में नैनीताल क्लब सभागार में बैठक का आयोजन किया। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कैंची महोत्सव के लिए पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधा, बिजली पानी, यातायात, शटल सेवा आदि की विस्तृत जानकारी ली। आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि मेले के दौरान यदि किसी की अचानक ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है या प्राथमिक उपचार के बाद किसी मरीज को हायर सेंटर भेजा जाता है, ऐसे मरीज को हेली सेवा के माध्यम से हायर सेंटर भेजा जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर या आसपास हॉर्न, प्लास्टिक का प्रयोग, धूम्रपान, तंबाकू, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया है। कैंची धाम के भवाली के मध्य फड़ खोखा संचालन, कैंची धाम के भवाली के मध्य में मार्ग किनारे विभिन्न संगठनों या व्यक्तियों द्वारा निःशुल्क खाद्य एवं पेयजलों के विवरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा है कि भवाली और गर्म पानी में पार्किंग के लिए 14 स्थलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 1500 से ज़्यादा छोटे बड़े वाहन पार्क हो सकते हैं। 300 के आसपास वो भी ओवरफ्लो हो सकती है, होगी तो हम होगी, मैं हाईवे से एक तरफ गाड़ी लगा देंगे, आप खुद ही यूज़ करेंगे। 300 है वैसे शीट ज़्यादा तो आपका भवाली वाले डाइवर्ट कर देंगे, हमें वहाँ जाएंगे वो और जो अनिके जाएंगे वो नफा खान से आपके फिर वहाँ जाएंगे, अगर हमारे से थोड़ा आगे उधर आ जाएंगे। अच्छा, आप अलग अलग पॉइंट्स पे कितनी शटल्स रहेंगी?